नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रजेश की बात। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भारती। इस वक्त की एक बड़ी खबर बख्तियारपुर पुलिस सर्किल क्षेत्र के बलवाहाट से सामने आ रही है। बलवाहाट थाना क्षेत्र के खोजू चक में इस वक्त एक बड़ी घटना हुई है। एक दरिंदे पति ने अपने पड़ोसी के साथ मिलकर अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं खोजू चक में, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही घर है जहां पर सुनीता देवी नाम की जो 35 वर्षीय महिला थी, उसके पति शिवचंद्र मेहता के द्वारा जो है पीट पीट कर हत्या कर देने का आरोप लगाया गया है। और इस वक्त बलवाहाट पुलिस आई हुई है। यहां पर लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, मेरे पीछे लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है लगी हुई है। बेरहमी से जो है महिला की हत्या कर दी गई है। तीन बच्चों की माँ, एक पुत्री है जो इंटर में पढ़ती है और दो पुत्र हैं, दोनों पढ़ते हैं, लेकिन उनके पति पर ही इस बात के आरोप लगे हैं। पति फरार हैं और पड़ोसी एवं पति के द्वारा जो है मिलकर ये घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवचंद्र महतो अक्सर अपनी पत्नी सुनीता देवी से जो है वो लड़ाई झगड़ा करते रहती थी। इस बात को जो है उसके पड़ोसी को मालूम था और पड़ोसी को ही ये लोग आरोपित करते थे कि पड़ोसी जो है उसके पति को पहला फुसला कर, यहाँ तक कि शराब पीने की भी बात सामने आ रही है कि शराब पिलाकर जो है उसकी ज़मीन हड़पने के लिए, ज़्यादा हड़पने के लिए अक्सर जो है उसकी पत्नी के साथ झगड़ा करवाता था और मारपीट कराता था। आज दोपहर के करीब जो है उसके बच्चे सब स्कूल गए हुए थे, इस दौरान उसको उसके पति ने सुनीता देवी के पीट पीट कर हत्या कर दी और उसको एक रस्सी के सहारे फंदे से लटकाने की कोशिश की गई कि ये दर्शाने के लिए कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया। लेकिन तब तक आसपास के लोगों को जानकारी हो गई। इस बात की जानकारी होने के बाद जो है बलवाहाट ओपी पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। बलवाहाट ओपी पुलिस से घटनास्थल पर पहुँचे सबको कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दिया है। आइए सुनते हैं जो मृतक सुनीता देवी हैं, उसकी पुत्र और पुत्री जो है वो साफ तौर पर अपने पिता को इस हत्या के जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कर रहे हैं दोनों बच्चे। घटना बताओ क्या हुआ तुम्हारे मम्मी के साथ। घटना हम पर तो कौन किया है घटना ये तुमको? मेरा पापा किया और उसको चलाने बनाने वाला ये बगल का है। क्या नाम, क्यों ऐसा घटना किया, क्या कर रहे हैं? पता नहीं उसको क्या दारू वारू पिलाता था ये बगल का, मेरे घर में दारू भी बेचता था। सब सामान है ना, बबू से सब लिया है, खेत भी लिया है, पटिया पटिया के दारू पिलाता है, मरवा दिया सब चीज ले लेंगे। तुम क्या भाई बहन? हम दो भाई एक। तुम कौन क्लास पढ़ता? सेवन सरकारी पढ़ता है। साथ क्या हुआ है तुमको, क्या जानकारी हुआ था? अच्छा, क्या कैसे आई, क्या पता चला? मम्मी से 8 बजे बात हुई, ऐसा कोई बात नहीं बता। ऐसे 12 बज रहा होगा, मेरा भाई फोन बोला कि मम्मी के पास बहुत खराब हॉस्पिटल में, उनको नहीं पता मम्मी मेरी आई तो कोई नहीं था मेरे को क्या लगता है तुमको कि कैसे इसको क्यों मारे? कौन ऐसे दोस्त हैं उनके साथ? 2 साल से झगड़ा। किस बात को लेकर झगड़ा चलता था? झगड़ा का कारण कुछ तो होगा। ऐसे मम्मी को साथ जमीन बचाई, महिला की हत्या होने की बात आ रही है। आप यहाँ घटनास्थल पर आए हैं, क्या है ये पूरा मामला? पति पत्नी में काफ़ी दिनों से विवाद वगैरह चल रहा था, जांच में अभी तक जो है जो पता चला है, और पति द्वारा ही जो है गला रस्सी बांध करके हत्या करना बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? वो प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि हत्या किया गया है। उसका आरोप है कि जो है इसके पिता द्वारा ही किया गया है। किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोशिश कर रहे हैं।